दिल पे ऐसा लगता है कि इंसान तो चलो कुछ बोल देगा कि मेरे को ये दर्द हो रहा है, ये कहां से बोलेंगे। आजा, आजा, आजा। परी बड़ी ये मेरा नाम बाबूलाल सुवासिया है और मैं ठकरोपा कॉलोनी में रहता हूँ, चेंबूर में। अपना ट्रेडिंग ऑफ चप्पल का मेरा काम है। घर में हम लोग 6 जने हैं, 30 बिल्लियाँ हैं। मेरे इनफैक्ट डॉग्स भी है 3 नीचे, उनको भी मैं मतलब केयर करती हूँ, इनका उनका सबका। सबसे पहले क्या हुआ था कि एक मॉर्निंग में मैं उठा था तो एक ये अपने पैरी के ऊपर एक बिल्ली का बच्चा बैठा था, तो उसको थोड़ा दूध पिलाया। फिर सामने वाले के घर पे कोई 2 बच्चे थे, तो उसने क्या हुआ था कि वो 2 बच्चों को बाहर फेंक दिए थे। तो मैं बोला यार इनको बाहर रखे, तो बच्चे ने बोला था कि पापा अपन ले लेके आ, तो बोला लेके आ जाओ। इट जस्ट दैट कि वो पहले 2 बिल्ली आई, वी डोंट नो कि वो प्रेग्नेंट एंड ऑल। फिर सडनली न्यू बेबीज होते हैं, क्यूट लगते हैं छोटे से, फिर होते गए अब किसी को भेज नहीं सकते, किसी को भगा नहीं सकते। ये सेलिन, सेलिन ये देखो फोटो। देखो वो डर रही है। सबका नाम रखा हुआ है, सबका नाम रखा, सबका हुआ है। याद कैसे रहता? ये आ जाते ना इनका, जब इनको भी मालूम पड़ता ना कि मेरे नाम से बुला रहे हैं लोग। अच्छा नाम बोलिए सबको। किसी का शेरी है, किसी का कालू है, किसी का एलियन है, कोई पूछी है। अभी इनको जब बोलेंगे तो अपन ऑटोमेटिकली ये भी आ जाते हैं कि हमें हमको बुला रहे लगता है। चले गंगो आजा बाहर सर। टफी भी है और लंगू भी है, पता नहीं अभी वो काम पीछे पीछे आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि और डरता भी नहीं किसी से। बॉडीगार्ड? हाँ वो ऐसा बॉडीगार्ड समझ लो, क्यूट है ये। हाँ फैमिली मेंबर्स ही है। इनफैक्ट अगर कोई एक नहीं दिखे तो इट्स वरीड लाइक कि कहाँ गया ढूंढने जाना पड़ता है। रात रात को फ्लैश लाइट लेके ढूंढो उनको, कहाँ गया है वो। बारी लॉकडाउन के अंदर है ना, 2-2, 4-4 किलोमीटर जाके मैं इनके लिए रात को मटन लाना पड़ता था। और जबकि भोजन बोले थे कि इनको मत दो खाना, मतलब खाना चालू कर देंगे। कोई बोलते थे कि अंडे के अंदर रोटी डाल के दो, लेकिन ये नहीं खाते तो नहीं खाते। तो इनको चिकन लाना पड़ता था, तो चिकन लाना ही पड़ता था। 2-2 किलोमीटर तक मैं पैदल जाके मेरे को जाना पड़ता था इनके लिए चिकन लाने के लिए। आप खुद ही मैनेज करते थे कि आपको कोई मदद भी करता था? नहीं कोई नहीं, खाली 1-2 मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब जैसे एक नरेश भोयर करके, उन्होंने थोड़ा मेरे को हेल्प किया था इनके लिए। बाकी इनका तो हम लोग को ही मैनेज करना पड़ता। आप समझो इनकी ये पेरोपेट है, कोई 1000 रुपए का गोई आती है तो वो तो लाना ही पड़ता है हमको। अभी ये 15 दिन चलता है, खत्म हो जाता है, फिर और 15 दिन में लाओ। पूरे महीने का बस बिलियों का खर्चा कितना आता है आपका? ये मिनिमम आप देख लो मैडम 5-6 हजार आ जाता है पर डे का। 100 ये चिकन और प्लस दूध, फिर इनका ये पेडिग्री, ऐसा करके ये 5-6 हजार हो जाता है इनका। पैसा तो क्या काम से निकालना पड़ता है, लेकिन किसी का भी समझो ये किसी को दर्द है, किसी को कुछ भी है, हो जाता है इनको। कभी कोई बुखार आ रहा है, कभी किसी को खांसी है, कभी कोई एकदम खाना नहीं खा रहा है, तो सबको दवा तो लाना ही पड़ता है। और छोटे बच्चों जितनी दवा आती है इनकी। ये लोग खाना नहीं खाते, ऐसे ही मतलब खेलना बंद कर देते हैं, फिर वॉमिट वगैरह करते हैं, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि ये बीमार हो गया। समझो अगर लूज मोशन करने लग गया तो फिर उसका टैबलेट, और आईज वगैरह कुछ खराब हो जाए तो ईयर ड्रॉप्स डालना। इसको अभी मतलब नॉर्मल, अभी इसका आई का प्रॉब्लम हुआ है, इसको मतलब रोज आइस ड्रॉप देते रहना ऐसा। अभी तक कोई नहीं पूछा है। सामने वो मेरे को बोल रहे कि आप हमारी बिल्लियां ले लो, प्रेशन गेट भी दे रहे हैं वो लोग, बोले कि आप लेके जाओ। तो मैं बोला ये अभी ये ऑर्डरी बिल्ली और प्रेशन गेट में ऐसा होता है, तो वो लोग बोल रहे कि आप है ना ये बिल्लियां आप
हमारी बिल्लियां भी अडॉप्ट कर लो, आप रख लो। ऐसा कभी कोई होता है जो घर के सामने छोड़ के जाते हैं आप? हाँ हुआ था एक बार, दो बच्चे ना ऐसा छोड़ के चले गए थे। आपने फिर उनको भी रखा? क्या करें फिर, अभी उनको छोड़ भी नहीं सकते ना, वो भी फिर इनके साथ में घुल मिल जाते हैं। मतलब एक दिन तो वो लोग करते हैं ऐसा झगड़ा, लेकिन बाद में साथ में मिल गए वो लोग भी ऐसा कोऑपरेट कर लेते कि चलो इनके ही बच्चे हैं, अभी पी रहे ना इनके साथ दूध, देखो ऐसा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर कोई जो पशु प्रेमी आदमी है कोई, अगर कोई हेल्प करे तो मैं इनके लिए शेल्टर, क्या इनको अच्छे से अच्छा फैसिलिटी और ये अच्छे से अच्छी चीज़ें देने को राजी हूँ। और मेरे को इनमें इसमें ऐसा नहीं है कि अपने को कुछ ऐसा समाज नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ कोई ऊपर वाले ने अपने को भेजा है अच्छे के लिए तो मैं कर रहा हूँ, ये बस यही है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.